तो ध्यान दो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पहला लेक्चर, और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम पिछले क्लास को देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है, तो धक्का देना या खींचना फोर्स है। और फिर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़े कि अगर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो फोर्स के बारे में बच्चों हम पढ़े थे कि पुश या पुल, खींचना या धक्का देना फोर्स है। और न्यूटन का पहला लॉ जो है वह हमें बताता है कि अगर फोर्स 0 हुआ तो एक्सेलरेशन बॉडी का जरूर 0 होगा। मतलब अगर फोर्स 0 हुआ तो बॉडी अनएक्सेलरेटेड होंगे। यह जो लॉ है फर्स्ट लॉ, वह डिफिनीशन ऑफ फोर्स के बारे में बताता है। यह बताता है कि फोर्स वह फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम लोग ऑप्टेन करते हैं या कोशिश करते हैं ऑप्टेन करने का एक्सेलरेशन। फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच प्रोवाइड और ट्राई टू प्रोड्यूस, व्हिच प्रोड्यूस और ट्राई टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन बॉडी। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखें कि फर्स्ट लॉ जो है, यह जो सिस्टम है वह हमेशा अप्लीकेबल नहीं है। तो यहां से दो फ्रेम बनाए थे बच्चों, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। जनरली ग्राउंड फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम कहते हैं और उसमें फर्स्ट लॉ वैलिड होता है। वह सभी फ्रेम जो कुछ एक्सेलरेशन में हो, फ्रेम इज एक्सेलरेटेड अगर हो तो उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता है। और आज अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। तो ध्यान से बच्चों, मेहनत से पूरा वीडियो देखना है, और इतना विश्वास दिलाते हैं कि पूरा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें जरूर समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ध्यान दो बच्चों, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या है उसको ध्यान पूर्वक मेहनत से सभी लोग समझेंगे। तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन का मोशन का सेकेंड लॉ। तो न्यूटन जो बातें बताए, न्यूटन बताए कि अगर कोई बॉडी एम मास का बॉडी है, अगर बॉडी मोशन में है तो उसके पास जरूर वेलोसिटी होगा। मतलब बॉडी है तो उसके पास मास होगा। कोई भी दुनिया में बॉडी है, कोई भी वस्तु है तो उसके पास मास होगा, द्रव्यमान होगा और वेलोसिटी होगा, हिंदी बोले तो वेग होगा। तो मास और वेलोसिटी से मिलकर क्वांटिटी बनता है बच्चों मोमेंटम, संवेग हिंदी बोलते हैं, और पी बराबर होता है एमवी। अगर इस बॉडी को हम फोर्स लगाएं, अगर इस बॉडी को फोर्स लगाए मतलब धक्का दे या खींचे तो इसका वेलोसिटी बदलता है या मास बदलता है। अब सिस्टम का मास बदलता है या आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसका मोमेंटम चेंज करता है। इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी, मोमेंटम ऑफ बॉडी चेंजेज, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी का मोमेंटम बदलता है। तो ध्यान दो बच्चों, इफ अप्लाइड फोर्स ऑन बॉडी या सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम ऑफ बॉडी या सिस्टम, मतलब किसी भी बॉडी पर, यही सेकेंड ला है बच्चों। देखो अगर किसी बॉडी पर या सिस्टम पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो नेट अप्लाइड फोर्स है, जो नेट अप्लाइड फोर्स है, नेट अप्लाइड फोर्स है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है। तो ध्यान दो बच्चों, एफ जो अप्लाइड फोर्स है वह चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम है। चेंज इन मोमेंटम को इंस्टेंटेनियस लोगे तो डीपी लिखेंगे और टाइम लेंगे तो डीटी। तो एफ बराबर क्या है बच्चों, डीपी बाय डीटी या इंस्टेंटेनियस फोर्स हुआ, क्षणिक फोर्स, मतलब तुरंत फोर्स लगाए तुरंत डीपी जो होगा, डीपी जो है स्मॉल चेंज इन मोमेंटम इन स्मॉल टाइम डीटी, मतलब छोटा सा टाइम डीटी में, मोमेंटम में एकदम छोटा सा चेंज आया डीपी, तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम डीपी बाय डीटी ही अप्लाइड फोर्स होगा। इस बातों को ध्यान दो बच्चों, शुरुआत में जो बताया गया हमें कि किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाओगे, तो मोमेंटम जो होगा बॉडी का वह बदलेगा, और मोमेंटम जो बदलेगा वह अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बहुत सारे बुक इस तरह से लिखते हैं कि फोर्स जो होता है वह चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड मोमेंटम चेंजेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। याद समझो बच्चों, बहुत सारे बुक्स ऐसे लिखते हैं कि जो फोर्स हम लगाते हैं वह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एफ बराबर हम लोग लिख देते हैं के डीपी बाय डीटी, बाद में एक्सपेरिमेंट करके के का वैल्यू निकालते हैं तो के का वैल्यू 1 आ जाता है, तो एफ का वैल्यू डीपी बाय डीटी आ जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली के का वैल्यू हम लोग 1 निकाल लेते हैं। तो तुम लोग सिंपल ला याद रखना, न्यूटन नाम के एक महान साइंटिस्ट बताते हैं कि किसी भी बॉडी पर नेट अप्लाइड फोर्स जो होता है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बताता है। इस पूरे स्टेटमेंट से तुम यह जरूर कह सकते हो कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स का फॉर्मूला दिया हमें, जैसे कि फर्स्ट लॉ जो होता है वह हमें बताता है फोर्स का डिफिनीशन, और न्यूटन सेकेंड लॉ हमें बताता है फोर्स का फॉर्मूला। इसको बाकी नोट कर लोगे, हटाएं से किस कोई भी बॉडी मोशन में है तो मास वेलोसिटी से उसके पास मोमेंटम है, फोर्स लगाओगे मोमेंटम बदलेगा, लगाया गया फोर्स मोमेंटम के बदलाव के रेट का, हिंदी बोले तो संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, और मोमेंटम जो होता है लगाए गए फोर्स के डायरेक्शन में होता है बच्चों। तो एफ जो हुआ वह डीपी बाई डीटी आ गया, और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान समझना, डीपी जो है छोटा सा चेंज है और बाई डीटी छोटा सा टाइम है, इसको नोट कर लेना है बच्चों, नोट्स बनाते जाना है, जो जो बातें बताते जाएंगे इसको नोट करते जाओगे, ध्यान से बच्चों समझते जाओगे। अब इसका आगे का कॉन्सेप्ट यह है कि हम लोग लिखें, यहां से देखो बहुत ही स्पेशल बात बता रहे बच्चों, ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। एफ जो होता है वह होता है डीपी बटा में डीटी, तो एफ बराबर डी बाई डीटी, और पी को हम एम भी लिख दें। देखो बात समझना बच्चों, मान लो डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल अगर डेल्टा टी है और इस टाइम इंटरवल के दौरान मोमेंटम में बदलाव डेल्टा पी आया,
या चेंज इन मोमेंटम आया, चेंज इन मोमेंटम आया, तो जो फोर्स होगा वह चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल होगा। या एक दिए हुए टाइम इंटरवल तक अगर लोगे तो यह जो तुम फोर्स निकालोगे वह एक्चुअली तुम एवरेज फोर्स निकालोगे, ठीक। और उस खास समय का फोर्स निकालना होगा तो उसके लिए डेल्टा टी टाइम इंटरवल को जीरो कर देना होगा, तो वह जो फोर्स आएगा वह डीपी बाई डीटी होगा। डीपी बाई डीटी से मेरा कहने का मतलब यह पी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, या डिफरेंशिएशन बात समझते होगे। डीवाई बाई डी एक्स एक मैथमेटिकल कैलकुलस का टर्म है, जो बच्चे नहीं जानते होंगे वह प्लेलिस्ट में जाकर मैथमेटिकल टूल्स जरूर पढ़ लें। इस टर्म को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो डिफरेंशिएशन है बच्चों यह। अब यहां से हम लिखें तो यह चेंज, अगर मास कांस्टेंट है तो यह जो चेंज है वह मास कांस्टेंट मतलब मास बॉडी का नहीं बदल रहा है तो चेंज नहीं करेगा, तो चेंज से बाहर आ जाएगा, तो डीवी बटा में डीटी लिखेंगे। यह फॉर्मूला कब लिखा जाएगा, जब मास कांस्टेंट होगा। तो मास कांस्टेंट होगा तो एम बाहर हो जाएगा, क्योंकि एम में कोई परिवर्तन होगा नहीं तो एम बाहर हो जाएगा, तो डीवी बाई डीटी, तो एफ बराबर आ जाएगा एम डीवी बाई डीटी को हम लोग लिखेंगे ए। ए मतलब है एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ए बराबर या ए क्या है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, तो एफ बराबर फॉर्मूला आ गया बच्चों एम में। तो बहुत सारा बुक ऐसे लिखता है कि एक्सेलरेशन बराबर एफ बाई एम, बहुत सारे बुक सेकेंड ला ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान दें कि प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन, प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट अप्लाइड फोर्स, नेट अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट, मास अगर कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला आया एफ बराबर एफ बाई एम, और एफ बराबर एम में फॉर्मूला बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वह बोलते हैं कि न्यूटन सेकेंड ला जो है वह एफ बराबर एम में है, और वह यह नहीं बोल समझते हैं यह फॉर्मूला न्यूटन सेकेंड ला तभी है जब मास कांस्टेंट है। यहां पर ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन नहीं बच्चों ध्यान दो। मान लो एक गाड़ी है, एक कार्ट है, उसमें सैंड भरा हुआ है, बालू भरा हुआ है, इस सैंड गाड़ी को कोई खींच के ले जा रहा है, इसमें छोटा सा होल कर दिए, बालू गिरते जाएगा तो क्या उतना ही फोर्स लगा के हमको खींचना पड़ेगा, नहीं। बालू अगर कम होते जाएगा तो फोर्स कम होते जाएगा, क्योंकि अब पूरे सिस्टम का मास बदल रहा है, तो पूरा सिस्टम का मास बदल भी सकता है। जैसे कि मान लो बर्फ का सिल्ली है, एक बर्फ का आइस का सिल्ली दिया हुआ है, उसको अगर आगे बढ़ाओगे आइस क्यूब को और वह बर्फ पिघलते रहे तो इसको चलाने में हमको अलग 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 फोर्स में बदलाव आने लगेगा, तो मास बदलेगा तो फोर्स बदलने लगेगा, सिस्टम में मास बदलते रहता है। जैसे मान लो वो रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, उस पर तुम बैठ गए और एक और तुम्हारा दोस्त बैठ गया तो उसका चलाने में फोर्स में अलग अलग फोर्स लगने लगेगा, यह बात समझो। मास बदलता हो, रिक्शा पहले खाली रिक्शा है, उस पर तुम बैठ गए तो रिक्शा का मास पूरा सिस्टम का मास बढ़ गया, फिर तुम्हारा दोस्त रिक्शा पर बैठ गया तो फिर मास बढ़ गया, तो मास बदल भी सकता है सिस्टम का। इसलिए हमेशा एक बराबर एम में फॉर्मूला लिखने का गलती ना करना। न्यूटन का सेकेंड लॉ इस प्रकार से भी लिखा जाता है, नोट करो बाबू। आगे बात बढ़ाते हैं, अब इसी फॉर्मूला को जो फॉर्मूला हम लाए हैं उसी फॉर्मूला को देखो, हम कंप्लीट बातें बता रहे हैं कि तुमको आगे बेसिक का जो प्रॉब्लम आता है वह सब प्रॉब्लम तुम्हें ना आए बच्चों। तो ध्यान दो
कि अगर ध्यान से मेहनत से अगर ध्यान से समझोगे एफ बराबर डीपी बाई डी टी होता है, एफ बराबर डी बाई डी टी, पी के जगह पे हम लोग लिख देंगे एम भी। अगर हम यहां पर वेलोसिटी को कांस्टेंट माने, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट अगर होगा तो फोर्स का फॉर्मूला यह होगा, मतलब सिस्टम में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है लेकिन उसमें मास सिस्टम का बदलते जा रहा है। मान लो एक बेल्ट है, एक बेल्ट है जो आगे 2 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट चल रहा है और उस बेल्ट पर हम बालू गिराते जा रहे हैं, तो बालू गिराते जाओगे, सैंड गिराते जाओगे, तो सिस्टम का मास तो बदल रहा है, हर टाइम के अनुसार मास तो बदल रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला यह होगा। 9th क्लास 10th क्लास के बच्चों को अगर बोलो कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है तो सीधे एफ बराबर एम ए बताते हैं, इस फॉर्मूला को यह ध्यान नहीं देते हैं। तो तुम समझो बच्चों यह भी फॉर्मूला है, यानी कि फोर्स का फॉर्मूला आया क्या, ध्यान दो, एम ए एक फॉर्मूला हुआ कब, जब मास कॉन्स्टेंट है तब। तो फिर तुमसे कोई बोला कि एक फॉर्मूला भी डीएम बाई डी टी होता है कब, जब भी कांस्टेंट होता है तब तो। और कोई बोला जीरो भी हो सकता है जब मास एंड भी दोनों कांस्टेंट हो, मास और भी दोनों कांस्टेंट होंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। मास और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट होंगे, मतलब एम इंटू भी ही कांस्टेंट होगा, मतलब मोमेंटम ही कांस्टेंट होगा, तो चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं होगा। अगर पी ही कांस्टेंट हो जाए बच्चों, पी ही कांस्टेंट हो जाए तो डीपी का वैल्यू जो होगा वह जीरो होगा। डीपी क्या बताता है, तो मोमेंटम में चेंज, तो मोमेंटम में चेंज कुछ हुआ ही नहीं तो जीरो लिख दिए हैं, यानी। और एक चौथा फॉर्मूला पता है बच्चों कि भी डीएम बाई डी टी प्लस एम डी वी बाई डी टी, यह कब होता है, जब एम और भी दोनों बदलने वाले हों, तब दोनों बदलेगा। इसके अंदर दो क्वांटिटीज हैं, या दोनों क्वांटिटीज अगर बदलेंगे तो हम लोग डिफरेंशिएशन का एक रूल है कि पारा पारी बारी बारी से डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब भी साइड में एम का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस एम साइड में भी का डिफरेंशिएशन करेंगे। यह थोड़ा अजीबो गरीब फोर्स का फॉर्मूला लग रहा होगा लेकिन यह भी फोर्स का ही फॉर्मूला है, जो कि फेमस फॉर्मूला सिर्फ एम में बच्चे जानते हैं। तो तुम नॉलेज बढ़ा लिए कि न्यूटन नाम के साइंटिस्ट बताए कि फोर्स क्या है, तो पहला लॉ में वो बताए फोर्स क्या है, तो फोर्स वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण हम किसी बॉडी को सिस्टम को एक्सेलरेशन देते हैं या देने का कोशिश करते हैं। सेकंड लॉ में वह बताए कि फोर्स का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, तो वह फॉर्मूला तो बता दिए कि डीपी बाई डी टी होता है, लेकिन उस फॉर्मूला से हम लोग इस तरह से फॉर्मूला को निकाल कर लाए, जिनमें सबसे फेमस फॉर्मूला एफ बराबर एम ए होता है, जहां एम जो होता है मास ऑफ बॉडी, वह किसी भी गिवन बॉडी के लिए जनरली कांस्टेंट होता है। इसे बच्चों नोट करोगे। अब आता है बच्चों ध्यान से मेहनत से चीजों को समझोगे, ध्यान दोगे तो सभी बातें तुम्हारे दिमाग में आएंगी, और वीडियो से जुड़े रहना है अंतिम तक, धैर्य बना के रखना है। कभी कभी कोई कोई वीडियो ऐसे गिर जाएंगे जो तुमको दिक्कत होंगे, उसके आगे के वीडियोज देखोगे, जैसे कि मान लिया जाए मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल इंडक्शन चला, पहला वीडियोज गया तो हो सकता है तुम्हें थोड़ा अजीब लगा हो, लेकिन वह सब चैप्टर्स ऐसे हैं कि 2-3 वीडियोज के बाद क्लियर व्यू दिखने लगेंगे, तो तुम्हें धैर्य रखना बहुत ही जरूरी होगा। अब बच्चों आगे आते हैं थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, तो थर्ड लॉ सिंपल लैंग्वेज में हम लिखते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कोई भी फोर्स जो होता है एक्शन रिएक्शन पेयर में होते हैं,
मतलब अगर दो बॉडी है, इफ बॉडी ए, हिंदी बोले तो बच्चों एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब अगर कोई बॉडी ए है, वह बॉडी बी पर एफ फोर्स लगाया, तो बॉडी बी जो है ए पर एफ फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट लगाएगा। इफ बॉडी बॉडी एग्जॉर्ट बॉडी ए एग्जॉर्ट फोर्स एफ ऑन बी, देन बी एग्जॉर्ट माइनस एफ ऑन ए, और वह एफ लगाएगा तो यह माइनस एफ लगाएगा। मतलब वैल्यू में तो बराबर लगाएगा, मतलब अगर हम इस दीवार को, इस बोर्ड को 10 न्यूटन से धकेलेंगे तो यह दीवार भी हमको 10 न्यूटन से धकेलेगा, लेकिन उल्टा। इसी बात को अब आगे समझते हैं। इन तीन लॉ को हम देखते हैं। पहला लॉ हमें बताया कि फोर्स क्या है, तो फोर्स अगर जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। दूसरा ला एक सिंपल बॉडी के लिए बराबर एम ए बताया, और तीसरा ला फोर्स के लगने का एक्शन बताया कि फोर्स एक्चुअली लगेगा कैसे। अब इस सिद्धांत के आधार पर, इस बेसिस के आधार पर हम तुम्हें कुछ क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं बच्चों। ध्यान पूर्वक मेहनत से चीजों को समझोगे, इसे बच्चों नोट डाउन कर लोगे। अब ध्यान देते हैं, एकदम आराम से बेसिक से हर एक चीज को समझाएंगे बच्चों, एकदम मेहनत से समझना। मान लो यहां पर एक 5 किलोग्राम का एक बॉडी है, जो एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करके लटका दिया गया है हवा में। 5 किलोग्राम का एक बॉडी है, उसको स्ट्रिंग से हवा में कनेक्ट करके लटका दिया गया है, तो स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, फाइंड करना है टेंशन। देखो जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे ना बच्चों, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो जी आएगा वो हम 10 लेंगे, कैलकुलेशन इजी कर लेंगे, सिंपलिसिटी के लिए इसका वैल्यू हम लोग 10 लेंगे, जबकि एक्चुअली इसका वैल्यू 9.8 होता है। तो देखो इस पर फोर्स दिखाओगे तो नीचे बच्चों एमजी लगेगा, और रस्सी में यहां पे टेंशन टी लगेगा, रस्सी में यहां पे टेंशन टी लगेगा। अब यह एमजी क्या है, टी क्या है, यह पिछले वीडियो में हम बताए थे, सुनो ध्यान से। दुनिया में किसी भी बॉडी पर, ग्राउंड फ्रेम में, अर्थ पे, दुनिया में किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी ओर खींचता है, जिस फोर्स से खींचता है वह एमजी होता है, वेट बोलते हैं इसको। किसी भी बॉडी को स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दोगे तो स्ट्रिंग के अंदर एक रिएक्शन फोर्स उत्पन्न होता है। स्ट्रिंग के अंदर जैसे नीचे एमजी खींचाएगा तो स्ट्रिंग खींचाने लगेगा, तो स्ट्रिंग नहीं खींचाना चाहेगा तो स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है जिसे हम टेंशन कहते हैं, या बॉडी से दूर और स्ट्रिंग की ओर लगता है। टेंशन एक फोर्स है जो स्ट्रिंग में डेवलप होता है, रिएक्शन फोर्स इन स्ट्रिंग है जो कि वस्तु से दूर और स्ट्रिंग की ओर लगता है। यह बॉडी चल नहीं रहा है, यह बॉडी रेस्ट में है, रुका हुआ है, मतलब कोई एक्सेलरेशन बॉडी के पास नहीं है। तो बॉडी अगर रुका हुआ है तो ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बराबर होगा, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है इसका। यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब जिसे मान लेते हैं, समझो ध्यान से, या नहीं चल रहा है, ऊपर जितना से खींच रहे होता है इसे नीचे खींच रहे हैं, तो टी बराबर आ गया एमजी। टी का वैल्यू, एम का वैल्यू 5, जी का वैल्यू 10, तो टी का वैल्यू 50 और न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ध्यान दें इस सिस्टम को, यहां पर एक बॉडी है ए जो 2 किलोग्राम का है, और एक बॉडी है बी जो है 3 किलोग्राम का, और यहां पे 2 स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन है T1 और इस स्ट्रिंग में टेंशन है T2, पूरा सिस्टम रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है, तो T1 T2 की वैल्यू बतानी है। तो देखो फोर्स का वैल्यू रेस्ट में अगर बॉडीज हैं
और फोर्स का वैल्यू अगर बताना है तो हर एक इंडिविजुअल बॉडी पर, हर एक अकेले अकेले बॉडी पर फोर्स दिखाना पड़ेगा, कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो यहाँ पर 3 किलोग्राम का एक बॉडी है, इस बॉडी को 3 किलोग्राम लिए तो नीचे देखो इसका मास M2 मान लेना, ठीक ना, इसका मास बच्चों M1 मान लेना। तो यहाँ पे नीचे M2 जी लगेगा। दुनिया में हर एक बॉडी को अपनी ओर खींचता है वेट से, जिसे MG कहते हैं, MG नीचे लगा दिया। यह बॉडी कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से जिसमें टेंशन डेवलप हुआ है T2, तो T2 लिख देंगे। बॉडी तो रेस्ट में है, बॉडी तो रेस्ट में है, इसका मतलब T2 जो होगा वह M2G के बराबर होगा। तो यहां पर 3 × 10 30 न्यूटन। अब अगर हम यह बी बॉडी के बारे में हम बता दिए, अब हम ए बॉडी के बारे में बताएंगे कि ए बॉडी पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो ध्यान दो, ए बॉडी है उसका मास M1 है, उस पर नीचे की ओर M1G तो लगेगा ही लगेगा, ऊपर की ओर बॉडी के साथ एक स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है जिसमें टेंशन लगेगा बच्चों T1, क्योंकि किसी भी रस्सी में, किसी भी स्ट्रिंग में एक फोर्स लगता है जिसे हम T1 कहते हैं। अब यह बॉडी एक्चुअली इस स्ट्रिंग के साथ भी कनेक्टेड है, तो इस स्ट्रिंग के चलते जो फोर्स T2 है वह भी इस बॉडी पर लगेगा। ध्यान दो, यह बॉडी दो रस्सियों से, दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसलिए इस बॉडी पर दोनों स्ट्रिंग इसको खींचेगा। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा T1 भी इस बॉडी पर रहेगा, और इस स्ट्रिंग को नीचे खींचाएगा तो इसको भी खींचना चाहेगा, तो T2 से इसको खींचेगा। ए बॉडी दो रस्सियों से, दो स्ट्रिंगों से जुड़ा हुआ है, तो दोनों का टेंशन बॉडी ए महसूस करेगा, ध्यान देना, और टेंशन हमेशा बॉडी से दूर लगता है। तो यहां पर बॉडी फिर रुका हुआ है, अगर बॉडी रुका हुआ है ए बॉडी, तो निश्चित है कि ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स से बराबर है। तो ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, तो T1, नीचे क्या लग रहा है, तो T2 प्लस M1G। T2 की वैल्यू 30 लाए हैं, लिख दिए 2 × 10, तो 30 और 20 50 न्यूटन। ध्यान दो बच्चों, मेहनत से समझो, ध्यान से। अगर एक बॉडी है यहां पर कनेक्टेड है ए बॉडी, बी बॉडी और सी बॉडी, M1 मास, M2 मास और M3 मास, इस स्ट्रिंग में टेंशन T1, T2, T3, तो तीनों बॉडी पर तीनों टेंशन हम लोग को निकाल कर दिखाना है। तो ध्यान से, मेहनत से क्या करेंगे, तो सी बॉडी का देखेंगे, सी बॉडी का नीचे M3 मास है तो M3G तो लगेगा। सी बॉडी एक ही स्ट्रिंग से बच्चों कनेक्टेड है, तो इसका T3 ऊपर लगेगा, तो T3 बराबर M3G हम लोग लिख देंगे, काम खत्म। अब बी बॉडी का अगर खींचोगे, बी बॉडी पर फोर्स दिखाओगे, किसी भी इंडिविजुअल बॉडी पर फोर्स दिखाना का डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम कहा जाता है, जिसके बारे में डिटेल चर्चा अगले क्लास में हम लोग करेंगे, इसे हम लोग FBD कहते हैं। अब यहां पर बी बॉडी जो है उसका भी कुछ मास है, द्रव्यमान है, कुछ वजन है बच्चों, तो बी बॉडी का अगर ध्यान दिया जाए तो नीचे M2G लगेगा। बी बॉडी दो रस्सियों से, दो स्ट्रिंगों से कनेक्टेड है, इसलिए दोनों का टेंशन उस पर लगेगा, ऊपर है T2, नीचे है T3, समझो ध्यान से। इस बी बॉडी दो स्ट्रिंगों से कनेक्टेड है, तो बी बॉडी पर ऊपर वाले स्ट्रिंग का टेंशन T2 और नीचे वाले स्ट्रिंग का टेंशन T3, जिधर जिधर स्ट्रिंग है उधर उधर टेंशन, और जिधर स्ट्रिंग है उधर टेंशन, और टेंशन हमेशा बॉडी से दूर लगता है, स्ट्रिंग की ओर लगता है, ठीक है। यहां बॉडी फिर से रेस्ट में है, फिर से रेस्ट में है, तो
तो T2 बराबर T3 प्लस M2G। क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों? क्योंकि ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्सों से बराबर है, तो ही यह बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। अब ए बॉडी पर अगर फोर्स तुम देखोगे, ए बॉडी पर फोर्स बच्चों देखोगे तो M1 है मास, नीचे लगा M1G। ए बॉडी दो स्ट्रिंगों से कनेक्टेड है, इसलिए दोनों पर टेंशन लगेगा, ऊपर वाले के चलते T1, नीचे वाले के चलते T2। तो ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्सों के बराबर होगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। रेस्ट में कैसे है बच्चों? चल नहीं रहा है, तो ऊपर जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स, तो T1 बराबर T2 प्लस M1G। तो यह बच्चों नोट डाउन कर लोगे, इसे नोट करो, नोट करोगे तो तुम्हें फोर्स की समझ धीरे धीरे डेवलप होने लगेंगी। अब एक छोटा सा बात बताते हैं, सभी वीडियोज को रोक कर नोट्स बनाते जाना है, मेहनत करते जाना है, सीखते जाना है, और जो जो दिक्कत होगा वीडियो रिपीट करेंगे, देखेंगे। हर एक बॉडी जो कि इक्विलिब्रियम में है, हर एक बॉडी जो कि इक्विलिब्रियम में है, उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। और नेट फोर्स जीरो होगा, इस बात कैसे जानेंगे? ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। ध्यान दो, ध्यान दो, अगर एक बॉडी एक सरफेस पर रखा हुआ है, अगर एक बॉडी एक सरफेस पर रखा हुआ है, ए है यह, M1 मास है, तो नीचे M1G। दुनिया का हर एक बॉडी को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसे हम MG कहते हैं। किसी भी बॉडी को सरफेस पे रख दोगे ना, तो सरफेस एक फोर्स लगाता है, रिएक्शन फोर्स बाय सरफेस। अभी जो न्यूटन का थर्ड लॉ लिखे थे, हर एक बॉडी जो कि अपने ऊपर लगने वाले फोर्स के विपरीत अपोजिट एक फोर्स लगाता है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। ध्यान दो, मतलब रिएक्शन फोर्स। तो नीचे एमजी लगा, कहा सरफेस बोलेगा कौन हमको फोर्स लगाया, ए, ए पर हम ऊपर फोर्स लगाएंगे, इस फोर्स को एन ए नाम दे रहे हैं। या क्या बॉडी चल रहा है, तो नहीं रेस्ट में है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो NA बराबर M1G। ध्यान से समझो बच्चों, अगर हम न्यूटन्स लॉ बढ़िया कर दिए, काइनेमेटिक्स के 21-22 वीडियोज गए होंगे, वेक्टर्स के 10-11 वीडियोज गए होंगे, यूनिडायमेंशन के वीडियोज गए होंगे, मैथमेटिकल टूल्स के फिजिक्स में अभी तक वीडियोज गए होंगे, सभी वीडियोज को देखो, एक सर्टेन लेवल तक आने के बाद हम पीछे जब जाएंगे तो बड़े बुक्स को, बड़े कॉन्सेप्ट्स को भी सिखाएंगे। अभी हम वही बता पा रहे हैं जो मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में इजीली ग्रैब तुम कर सकते हो, सीख सकते हो, मेहनत से समझ सकते हो। अब यहां पर एक और सिस्टम बता रहे हैं बच्चों, यहां पर ए एक वस्तु है, बॉडी है, M1 मास है, बी एक वस्तु है, M2 मास है। अब कोई कहा कि दोनों पर नॉर्मल का वैल्यू बताओ, तो अगर बी का कोई फोर्स दिखाने के लिए तुमसे कहा कि बी पर फोर्स दिखाओ, तो तुम लिखोगे M2G। ऊपर बी का नॉर्मल लगा NB, बॉडी रुका हुआ है, तो NB बराबर M2G, काम खत्म, कहानी खत्म। ए पर फोर्स लगाने के लिए कोई कहेगा दुनिया का हर एक बॉडी है, वह अर्थ खींचता है MG से, सरफेस है, सरफेस नॉर्मल लगाएगा NA। अब बी कहेगा हम पे नॉर्मल कौन लगाया था, तो बी किस सरफेस से कनेक्टेड है, ए से। यह जो लगा है नॉर्मल बी पर, वह ए के द्वारा लगा है, क्योंकि बी एक्चुअली ए के सरफेस पर रखा हुआ है। तो बी बोलेगा कि तुम हम पे नॉर्मल लगाए हो, तो हम भी तुम पे फोर्स लगाएंगे, तुम हम पे फोर्स लगाए हो, तो हम भी तुम
तुम पे फोर्स लगाएंगे, हर एक एक्शन का रिएक्शन देंगे, तो तुम हम पे कितना फोर्स लगाएंगे एन बी, तो हम भी तुम पे एन बी लगाएंगे, उल्टा लगाएंगे। यही ना थर्ड रहा है बच्चो कि तुम हम पे फोर्स लगाए एन बी तो हम चुप थोड़ी रहेंगे, हम भी तुम पे फोर्स लगाएंगे एन बी। यह बॉडी रुका हुआ है इसलिए ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर, ऊपर लग रहा है एन ए नीचे लग रहा है एन बी प्लस एम वन जी। जितना बाबू समझ पाए होंगे, जितना समझे होंगे, नॉर्मल वह फोर्स है जो सरफेस के द्वारा किसी भी बॉडी को परपेंडिकुलरली रिएक्शन फोर्स के थ्रू लगता है। किसी भी रस्सी में बॉडी को टांग दोगे, रस्सी में जो फोर्स डेवलप होता है टेंशन कराता है, हर एक बॉडी को अर्थ अपनी ओर खींचता है, एनर्जी लगता है, बॉडी रेस्ट में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, अगर उस पे लगने वाला फोर्स जीरो होता है, ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होता है। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट इसमें लेकर। अगर वीडियोज दोनों रिपीट कर पाओ, फर्स्ट और टू न्यूटन ला के वीडियोज, तो बहुत ही खुशी होगी मुझे। और अगले क्लास में हम और भी शानदार तरीका से वीडियोज को अपलोड करेंगे, खूब जबरदस्त मेहनत करते रहो। मिलते हैं आगे।